हेलो एवरीवन, क्या मेरी वॉइस सबके लिए क्लियर है? कंफर्मेशन दे दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या मेरी वॉइस सबके लिए क्लियर है? कंफर्मेशन दे दो। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। मॉडल पेपर टू पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ थैलिडोमाइड एक्सेप्ट। यहां पे एक ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो थैलिडोमाइड का हो नहीं सकता। ऑप्शन ए मायोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन डी सेडेशन। All of the following are the adverse effects of thalidomide except, यहाँ पे एक ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो थैलिडोमाइड का एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए मायोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन डी सेडेशन। What should be the answer for this question? थैलिडोमाइड का एडवर्स इफेक्ट कौन सा नहीं हो सकता? ओके, वॉइस क्लियर है। चलो, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मायोकार्डाइटिस। थैलिडोमाइड के एडवर्स इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेडेशन ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बट मायोकार्डाइटिस ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, थैलिडोमाइड वॉज बैंड ड्यू टू इट्स टेराजोनिक इफेक्ट। पहले तो थैलिडोमाइड को यूज करते थे प्रेगनेंसी में जो नौशिया एंड वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता था ना, उसके लिए। बट बाद में ऐसा पता चला इस ड्रग के कारण टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होने लगे फीटस के अंदर, जिसका नाम है फोकोमेलिया। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर फीटस को ना हाथ है ना पाव है, उसे ही हम कहते हैं फोकोमेलिया। और इसी टेराटोजेनिक इफेक्ट के कारण इस ड्रग को बाद में बैन किया गया। अब इसका जो नॉन टेराटोजेनिक डेरिवेटिव है जो मार्केट में अभी यूज कर रहे हैं वो है लेनालिडोमाइड, लेनालिडोमाइड इसे हम अभी यूज करते हैं। अब ये जो थैलिडोमाइड है, इट मोस्ट कॉमनली कॉजेस सेडेशन एंड कॉन्स्टिपेशन इन द कैंसर पेशेंट। अगर हम कैंसर के पेशेंट को ये ड्रग देते हैं तो उन्हें मोस्टली सेडेशन एंड कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब ये जो थैलिडोमाइड है, इसके दो इनेंशियोमर है, एक है आर दूसरा है एस। आर इनेंशियोमर जो है उसे हम नौशिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, बट जो एस इनेंशियोमर है इसके कारण बर्ग डिफेक्ट के प्रॉब्लम हो गए थे, और इसी रीजन के कारण थैलिडोमाइड को बाद में बैन किया गया। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर आंसर। थैलिडोमाइड के कारण मायोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कॉन्स्टिपेशन, सेडेशन एंड पेरिफेरल नर्व पेन, ये थैलिडोमाइड के स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है जो आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूमर एजेंट वर्क बाय इंपेयरिंग डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। इसमें से वो कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो प्यूरिन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है? ऑप्शन ए असाइक्लोग्वानोसिन, ऑप्शन बी फाइवफ्लोरोयुरासिन, ऑप्शन सी मीथोट्रेक्सेट या ऑप्शन डी एलोप्यूरिनॉल। इसमें से वो एंटी ट्यूमर ड्रग कौन सा है जो डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस मैकेनिज्म को इनहिबिट करेगा? अब ये क्वेश्चन जो है एंटी कैंसर सेक्शन से है, क्या आप में से कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द ड्रग विच इनहिबिट डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। अब प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे डीएनए आरएनए के कंपोनेंट्स हैं। प्यूरिन्स में है एडेनिन ग्वानिन, तो पिरिमिडिन्स के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। तब तक लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज मीथोट्रेक्सेट। और ये आंसर स्पेसिफिकली आदित्य ने मेंशन किया है, DHFR रिडक्टेज इनहिबिटर, करेक्ट। डी नोवो सिंथेसिस मतलब क्या? इट रेफर्स टू सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल।
डी नोवो सिंथेसिस इस वर्ड का ही मीनिंग है, आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल, स्पेशल एग्जांपल आइदर शुगर्स और अमाइनो एसिड। इसमें जो मिथोट्रेक्सेट जो है ना, इट इनहिबिट्स DHFRH एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो ये DHFRH एंजाइम को अगर आपने इनहिबिट किया तो फोलिक एसिड सिंथेसिस एंड प्यूरिन का सिंथेसिस दोनों इनहिबिट होता है। प्लस ये जो मिथोट्रेक्सेट है एक स्पेसिफिक एंजाइम को भी ब्लॉक करता है व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्यूरिन सिंथेसिस कॉल्ड एज थायमिडिलेट सिंथेस। अगर इस एंजाइम को आप ब्लॉक कर देते हो तो प्यूरिन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती एंड दैट इज द मेन रीजन। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज मिथोट्रेक्सेट व्हिच इज एंटीफोलेट मेडिकेशन। तो अगर आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज नेफ्रोटॉक्सिक। इसमें से वो कौन सा ड्रग है जो हमारे इम्यून सिस्टम को तो सप्रेस करता है बट इसके कारण हमारे किडनी को भी डैमेज क्रिएट होगा। ऑप्शन ए अजाथियोप्रिन, ऑप्शन बी साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन सी माइकोफिनोलेट मोफेटिल, ऑप्शन डी टैक्रोलाइमस। The drug which is immunosuppressant plus nephrotoxic kidney को भी damage करेगा but immune system को भी suppress कर सकता है ऐसा drug, can you tell me the answer? Yes Sandeep, is it citrabine? No. Yes, what is the answer for this question? Yes, टैक्रोलिमस। चलो वेरीफाई करते हैं, करेक्ट आंसर इज टैक्रोलिमस, राइट। टैक्रोलिमस जो ड्रग है ये इम्यून सप्रेसेंट प्रॉपर्टी तो रखता ही है बट ये हमारे नेफ्रॉन को भी डैमेज करेगा। अब ये जो टैक्रोलिमस है इसकी जो एक्टिविटी है उसे हम स्टडी करते हैं। द इम्यून सप्रेसेंट ड्रग इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोस्पोरिन। ये केमिकली डिफरेंट है साइक्लोस्पोरिन से बट हैज द सेम मोड ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है जो साइक्लोस्पोरिन शो करता है। पोटेंसी वाइज इट इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट इन कंपैरिजन टू साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, उसी के कंपैरिजन में टैक्रोलिमस की जो पोटेंसी है वो 100 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? सिंपल है, इट इनहिबिट हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स को ये इनहिबिट करता है ताकि आगे का प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाए जिसके थ्रू आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने वाली थी। बट ये दोनों ड्रग्स के पास एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिटी। ये आपके नेफ्रॉन को डैमेज करेगा। एडिशनली इट विल ब्लॉक न्यूरोटॉक्सिक, मतलब ये आपके न्यूरॉन्स को भी डैमेज क्रिएट करता है। इट मे कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेंट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन था, टैक्रोलिमस ड्रग इम्यूनोसप्रेसेंट भी है एंड नेफ्रोटॉक्सिक भी है एंड दैट्स व्हाई आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी टैक्रोलिमस। अगर आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर सही था। साइक्लोस्पोरिन मे कॉज हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब क्या पता है? फीमेल के चेहरे के ऊपर मुस्टैचेस एंड बियर्ड आने लगती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज हिर्सुटिज्म। तो वो कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसके कारण हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होगी? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? द ड्रग विच कॉजेस हिर्सुटिज्म विच इज एंटी एपिलेप्टिक इन फंक्शन। तब तक हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज एन एंटी CD25 एंटीबॉडी। इसमें से कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो एंटी CD25 के अगेंस्ट एक्ट करता है? ऑप्शन ए रिटोक्सिजुमाब, ऑप्शन बी पालविजुमाब, ऑप्शन सी इन्फ्लिक्सिजिमाब, ऑप्शन डी बैसलिजिमाब। द राइट आंसर इज फेनिटोइन, करेक्ट। फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है जिसके कारण हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्लस जिंजिवल हाइपरप्लासिया, ये दूसरा इफेक्ट है, याद रखना। चलो अब इसमें से कौन सा ड्रग है विच इज इटसेल्फ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड सेकेंड थिंग इट कैन एक्ट अगेंस्ट अनदर एंटीबॉडी कॉल्ड एज एंटी CD25। क्या आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है?
Which of the following monoclonal antibody is active against CD25 antibody? Yes. क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर? The correct answer for this question is option D, Paclitaxel. ये जो ड्रग है इट इनहिबिट एंटी CD25 एंटीबॉडी. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से ड्रग है जो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए इनहिबिट कर सकते हैं? इसमें पहला है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, एग्जाम्पल एटानारिसेप्ट, इन्फ्लिक्सिजिमाब, अडालिमुमाब. इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अनाकिंद्रा. एंड हमारा जो क्वेश्चन आया था इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्लस एंटी CD25 एंटीबॉडी, एग्जाम्पल इज पैसलिक्सिमा. एंटी CD3 एंटीबॉडी मूरो मुनाप CD3. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एंटी थाइमोसेट एंटीबॉडी. ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी टाल्विक्सिजुमाब एंड एंटी CD20 एजेंट रिटुक्सिजुमाब. तो ये जो ड्रग्स है ये इम्यूनो सप्रेशन कैटेगरी में आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए सप्रेस कर सकते हैं. तो इसमें से जो क्वेश्चन था एंटी CD25 एंटीबॉडी, इसका आंसर होना चाहिए था पैसलिक्सिजुमाब. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कॉज हाइपरपाइरेक्सिया. इसमें से वो कौन सा ड्रग है जो बॉडी टेम्परेचर को एक्सेसिवली नहीं बढ़ाएगा? ऑप्शन ए माव इनहिबिटर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी एम्फेटामाइन. इसमें से वो कौन सा ड्रग है जो बॉडी टेम्परेचर को एक्सेसिवली नहीं बढ़ाएगा? हाइपरपाइरेक्सिया मतलब एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर. चलो कौन देगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यस तेजस, अल्कोहल. ठीक है, और कोई है जो अल्कोहल के साथ जाना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? यस ओके आदित्य ऑप्शन बी, अमरीश ऑप्शन ए माव इनहिबिटर. चलो वेरीफाई करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए अल्कोहल. अल्कोहल के कारण हाइपरपाइरेक्सिया कभी क्रिएट नहीं होगा. देखो अगर हम इथाइल अल्कोहल अल्कोहल की बात करते हैं तो इसके कारण वैसोडाइलेशन होता है. जब भी वैसोडाइलेशन होगा आपके सेंटर में जो ब्लड है, कोर में जो ब्लड है, वो आपके पेरिफेरी में चला जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा वार्मथ फील होगा, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट उसके साथ स्वेटिंग भी तो होती है और स्वेटिंग के कारण आपकी जो बॉडी हीट है वो एनवायरनमेंट को ट्रांसफर की जाएगी. तो इसके कारण आपको हाइपरपाइरेक्सिया का इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा, बट हाइपरपाइरेक्सिया आपको एट्रोपिन के कारण हो सकता है, एम्फेटामाइंस के कारण हो सकता है एंड माव इनहिबिटर्स के टॉक्सिसिटी के कारण होगा. ये तीनों ड्रग्स बॉडी टेम्परेचर को रेज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज हाइपरपाइरेक्सिया इफेक्ट. एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का प्रोबेबल आंसर होना चाहिए था अल्कोहल, जो एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर ट्रू अबाउट न्यूरोपेप्टाइड वाई एक्सेप्ट. इसमें से एक ऐसा पॉइंट है जो न्यूरोपेप्टाइड वाई के रिगार्डिंग गलत है. ऑप्शन ए इट कंसिस्ट ऑफ 36 अमीनो एसिड्स, ऑप्शन बी इट डिक्रीज्ड इन स्टार्वेशन, ऑप्शन सी इट डिक्रीजेस थर्मोजेनेसिस, इट रेगुलेट्स मेलानोकॉर्टिन और इट इज रेगुलेटेड बाय मेलानोकॉर्टिन. ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर न्यूरोपेप्टाइड वाई एक्सेप्ट. एक स्टेटमेंट यहां पे गलत है. यस व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू कोई ट्राई करना चाहेगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिक्रीज्ड इन स्टार्वेशन. ऐसा नहीं होता है. देखो न्यूरोपेप्टाइड वाई एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जिसके अंदर टोटल 36 अमीनो एसिड्स के रेसिड्यूज हैं. ठीक है, अब ये क्लोजली रिलेटेड है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के साथ. इट इज प्रेजेंट मेनली इन द ब्रेन एंड ANS. इसका जो मेन लोकेशन है वो है हमारा ब्रेन, दैट इज द पार्ट ऑफ द CNS एंड दूसरा है ANS. इन द हाइपोथैलेमस इट मीडिएट्स इंक्रीज्ड एपेटाइट. जैसे ही हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर एंटर करेगा
ये आपके भूख को बढ़ाता है, तो ये स्टार्वेशन में डिक्रीज कैसे होगा? स्टार्वेशन मतलब आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आपकी बॉडी आपके फैट्स जो है उनको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो स्टार्वेशन जो मोड है उसमें न्यूरोपेप्टाइड वाई एक्चुअल में इंक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी, इट इज नॉट इंक्रीज्ड इन द स्टार्वेशन, इट इज इंक्रीज्ड इन द स्टार्वेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, स्किन पिगमेंटेशन अकर्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इसमें से वो कौन सा ड्रग है जिसके कारण आपके स्किन का पिगमेंटेशन होगा? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमने ये डिस्कस किया है। ऑप्शन ए ग्लोफिजामाइन, ऑप्शन बी जिडोवुडिन, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन डी रिफैम्पिसिन। थोड़ी देर के लिए कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। रिफैम्पिसिन जनरली टीबी में यूज करते हैं, सल्फोनामाइड्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिडोवुडिन एंटीवायरल मेडिकेशन एंड क्लोफेजामाइन एंटी लेप्रेटिक मेडिकेशन। अभी आपको मैंने हिंट दे दी है, तो क्या आप बता सकते हैं स्किन पिगमेंटेशन अगर हो जाता है तो वो किस ड्रग के कारण होगा? एंटी लेप्रेटिक मेडिकेशन क्लोफेजामाइन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में हम क्लोफेजामाइन को यूज करते हैं, इनिशियली आपकी स्किन रेड हो जाती है फिर वो ब्लैक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्किन डिस्कलरेशन और स्किन पिगमेंटेशन। ये क्लोफेजामाइन का स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है जो हमें याद करना है। अब अदर एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से ड्रग्स है जिनके कारण स्किन का पिगमेंटेशन होगा? एक है मीनोसाइक्लिन, दूसरा है क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल मेडिकेशन, क्लोरोप्रोमाजिन, हेवी मेटल्स, क्लोफिजामाइन, एमियोडेरॉन एंड क्विनाक्रिन। ये जो ड्रग्स है इनके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्किन का पिगमेंटेशन होता है। बट बाकी के जो ड्रग है जैसे कि क्लोरोक्विन, इट कॉजेस ब्लू ब्लैक कलर पिगमेंटेशन ऑफ द नेल्स, इसके कारण नेल्स का पिगमेंटेशन होता है एंड हेयर का डीपिगमेंटेशन होगा। जिडोवुडिन कॉजेस ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द नेल्स, सल्फोनामाइड का स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है क्रिस्टल यूरिया, रिफैम्पिसिन के कारण इट कॉजेस रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द सिक्रीशन, बेसिकली यहाँ पे यूरिन का कलर रेड हो जाता है अगर आप रिफैम्पिसिन को कंज्यूम करते हो तो, एंड वैंकोमाइसिन का स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है रेड मैन सिंड्रोम, आपकी स्किन पूरी तरह से रेड मतलब ब्लड सर्कुलेशन इतना इंक्रीज हो जाता है हमारे स्किन के नीचे कि पूरी रेड रेड दिखने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज रेड मैन सिंड्रोम। ये स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स है फॉर अदर ड्रग्स एंड ड्रग्स विच कॉजिंग स्किन पिगमेंटेशन, उसके एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं जो आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टेराटोजेन कॉजेस डीफनेस, इसमें से कौन सा टेराटोजेनिक ड्रग है जिसके कारण आपकी साउंड को सेंस करने की कैपेसिटी कम हो सकती है, विच इज कॉल्ड एज डीफनेस। ऑप्शन ए आइसो ट्रेटिनोइन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी वारफेरिन। विच टेराटोजेन कॉजेस डीफनेस, इसमें से कौन सा ड्रग है जो टेराटोजेनिक भी है एंड आपको साउंड को सुनने की जो आपकी कैपेसिटी है उसे कम कर देगा? ऑप्शन ए आइसो ट्रेटिनोइन, चलो वेरीफाई करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यस इट इज आइसो ट्रेटिनोइन। ये टेराटोजेनिक ड्रग तो है ही लेकिन इसके कारण एक्सटर्नल ईयर को बहुत डैमेज होता है। आप डायग्राम में यहां पे देख सकते हैं आपका एक्सटर्नल ईयर फुल्ली डेवलप हो ही नहीं पाता और उसे साइंटिफिकली कहते हैं माइक्रोशिया और एनोशिया। अब ये आइसोट्रेटिनोइन का टेराटोजेनिक इफेक्ट है जहां पे एक्सटर्नल ईयर डेवलप ना होने के कारण आप साउंड को ठीक से सुन नहीं पाते। फेशियल डिफेक्ट्स में होता है क्लेफ्ट पैलेट, आपके जो लिप्स के जो टिश्यू है वो प्रॉपरली जुड़ नहीं पाते, या आपके फेशियल बोन्स या क्रेनियम में कुछ डेवलपमेंट प्रॉपरली हो नहीं सकती। सो दीज आर दी टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ दी आइसो ट्रेटिनोइन जो हमें याद करनी है। टेराटोजेनिक ड्रग्स की एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे आपको
एक ऐसी वीडियोस की लिस्ट है जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ड्रग्स, उनके इफेक्ट, इंपॉर्टेंट ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म्स मिल जाएंगे। तो फार्मेसी इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीजें मिलेगी, उसे एक बार देख लेना। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर व्हाट? प्रोबायोटिक्स जो है उनका यूज हम कब करते हैं? ऑप्शन ए नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ऑप्शन बी ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ऑप्शन सी हॉस्पिटली एक्वायर्ड निमोनिया, या ऑप्शन डी न्यूनेटल सीजर्स। रैंक बूस्टर सीरीज करके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, वहां पे आपको सारे ड्रग्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टेराटोजेनिक ड्रग्स का। ओके, रैंक बूस्टर सीरीज। हाँ, द प्रोबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर व्हाट? प्रोबायोटिक्स मतलब इसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो हम कब यूज करते हैं? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, निमोनिया या न्यूनेटल सीजर्स। राइट आंसर इज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ये वो कंडीशन है जहां पे आपके जो इंटेस्टाइन के मसल्स है, जो टिश्यू है, वो डैमेज हो जाता है। इंटेस्टाइन का जो भी टिश्यू है वो कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो जाता है, डेड हो जाता है ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसे हील करने के लिए हम कुछ प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम कर सकते हैं विच आर हेल्दी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कंडीशन है प्रोबायोटिक्स की, इसे हम यूज करेंगे फॉर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है? उसका आंसर है क्लॉस्ट्रिडियम, इश्चेरिया, क्लेप्सियल्ला, सैल्मोनेल्ला, शिगेल्ला, सुडोमोनास एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का मीनिंग भी पता करना है, डेथ ऑफ द टिश्यू इन द इंटेस्टाइन। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम करेंगे, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्पाइट देयर शॉर्ट हाफ लाइफ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कॉजेस प्रोलॉन्ग सप्रेशन ऑफ द एसिड सिक्रीशन बिकॉज ऑफ व्हाट? अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, फिर भी ये एसिड सप्रेशन प्रोलॉन्ग समय के लिए क्यों करते हैं? ऑप्शन ए दे आर प्रोड्रग एंड अंडरगो एक्टिवेशन ग्रेजुअली, वो प्रोड्रग है और उनका एक्टिवेशन थोड़े समय के लिए होता है या थोड़े थोड़े समय से होता है। ऑप्शन बी दे एग्जिट फ्रॉम द प्लाज्मा एंड एंटर एसिड सिक्रेटरी कैनालिक्यूली एंड स्टे देयर ब्लॉकिंग द सिक्रीशन ऑफ द एसिड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, क्या वो एसिड सिक्रीशन को बहुत लंबे समय के लिए रोक देते हैं? ऑप्शन सी हेलो क्या मेरी वॉइस क्लियर है, कंफर्मेशन दे दो। सॉरी माय वॉइस इज क्लियर, मैंने चेक कर लिया है। लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। दे इरिवर्सिबली इनहिबिट द प्रोटॉन पंप मॉलिक्यूल्स एंड हेंस एसिड सिक्रीशन रिक्वायर्स सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटॉन पंप। आप ये जो इनहिबिशन करेंगे वो बहुत लंबे समय के लिए करते हैं एंड इरिवर्सिबल कर रहे हैं, इसी रीजन के कारण नए प्रोटॉन पंप बनने के लिए टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी। एंड लास्ट वन इज दे आर अवेलेबल एज एंटेरिक कोटेड कैप्सूल फ्रॉम विच ड्रग इज ग्रेजुअली रिलीज्ड। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, फिर भी ये लंबे समय के लिए एसिड सिक्रीशन को कैसे रोक सकते हैं? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे इरिवर्सिबली इनहिबिट द प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं परमानेंटली, तो फिर नए प्रोटॉन पंप बनने के लिए टाइम लगता है, जिसके कारण एसिड सिक्रीशन की जो प्रोसेस है लंबे समय के लिए सप्रेस हो जाती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग गिवन फॉर मेटाक्लोप्रोमाइड इंड्यूस्ड डिस्टोनिया रिएक्शन इज, इसमें से वो कौन सा ड्रग है जो मेटाक्लोप्रोमाइड के कारण होने वाला जो डिस्टोनिया का प्रॉब्लम है उसे ठीक करने के लिए यूज करेंगे? ऑप्शन ए फेनिरामाइन, ऑप्शन बी प्रोमिथाजिन, ऑप्शन सी क्लोरप्रोमाजिन या ऑप्शन डी प्रोक्लोरपिराजिन।
मेटोक्लोप्रोमाइड जब भी आप कंज्यूम करोगे तब एक प्रॉब्लम होती है डिस्टोनिया, आपके इंटेस्टाइन का जो टोन है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए आप कौन सा ड्रग यूज करोगे, ऐसा क्वेश्चन है। चलो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर इज प्रोमिथाजिन, ऑप्शन बी। प्रोमिथाजिन को हम जनरली यूज करते हैं मेटोक्लोप्रोमाइड के कारण होने वाले डिस्टोनिया रिएक्शन को ठीक करने के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटोक्लोप्रोमाइड को जनरली हम नौशिया एंड वॉमिटिंग, ये दो मेन इश्यू के लिए यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में है डिस्टोनिया विच कॉजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंटरली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनवॉलेंटरली होने लगेगी, और इसे ठीक करने के लिए हमें प्रोमिथाजिन, डायफिनहाइड्रामाइन या डायमिन हाइड्रिनेट इनको यूज करना है। दिस ड्रग अफोर्ड प्रोटेक्शन ऑफ मोशन सिकनेस फॉर 4 to 6 आवर। तो ये मोशन सिकनेस को 4 to 6 घंटे के लिए रोक देते हैं, बट इनके कारण दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, एक तो होगा सिडेशन, दूसरा होगा ड्राइनेस ऑफ द माउथ। बट जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है दे ब्लॉक एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेटोक्लोप्रोमाइड। तो साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, डिस्टोनिया विच इज एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। तो ये जो ड्रग है इट एक्ट्स बाय सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोमिथाजिन का यूज करके डिस्टोनिया के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन मतलब क्या, एसिटाइलकोलिन के कारण कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो अगर आप एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट इनहिबिट करोगे तो वहां पे आपको इफेक्टिव एक्शन क्या मिलेगी, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएंगे। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रोमिथाजिन विच इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टोनिया, एंड दैट्स व्हाई राइट आंसर इज प्रोमिथाजिन, क्योंकि इसके पास मेन जो एक्शन है वो है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग एप्रिपिटेंट ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, एप्रिपिटेंट की रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए अगोनिस्ट एट न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, ऑप्शन बी इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन सी इट ट्रीट्स नौशिया एंड वॉमिटिंग इंड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी। अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हो उसके कारण नौशिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए एप्रिपिटेंट यूज करते हैं, या ऑप्शन डी मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम 450 एंजाइम्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एप्रिपिटेंट के रिगार्डिंग सही नहीं है, यस युक्ता ऑप्शन बी इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एप्रिपिटेंट के रिगार्डिंग ये जो पहला ऑप्शन दिया है इट इज अगोनिस्ट एट NK1 रिसेप्टर, ये गलत है। एप्रिपिटेंट इज हाईली सिलेक्टिव न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बेसिकली ये एक एंटागोनिस्ट है ना कि अगोनिस्ट। इसका मेटाबोलिज्म साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम के थ्रू होता है, एंड ऑल्सो इनहिबिट मेटाबोलिज्म ऑफ द ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम वारफेरिन। तो ये क्या करता है, वारफेरिन का जो मेटाबॉलिज्म है इसे भी इनहिबिट करेगा। बेसिकली दिस ड्रग इज ओरली एक्टिव एंड कैन एंटर द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर भी जा सकता है, और इसे हम नौशिया एंड वॉमिटिंग जो कीमोथेरेपी के कारण क्रिएट होती है उसे ठीक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया था विच इज अगोनिस्ट, यहाँ पे गलती है, इट इज एंटागोनिस्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, An antiemetic drug that also decreases acid secretion due to its action on H1 receptor. इसमें से वो कौन सा ड्रग है जो antiemetic भी है and acid को भी suppress कर सकता है by blocking H1 receptor? Option A, Promethazine. Option B, Domperidone. Option C, Metoclopramide. Option D, Ondansetron. ऐसा ड्रग कि जो vomiting को भी ठीक करता है, एसिडिटी को भी ठीक करता है, ड्यूअल एक्शन। यस आदित्य प्रोमिथाजिन, ओके। यस रिया ऑप्शन ए, ठीक है प्रीति प्रोमिथाजिन,
कोई बात नहीं, इसे वेरीफाई करते हैं। करेक्ट आंसर इज प्रोमिथाजिन। ये एंटीएमेटिक एक्शन भी देता है एंड H1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है। इट इज द फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। ये H1 एंटीहिस्टामिनिक के पहले जनरेशन का ड्रग है और इसे जनरली हम एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। प्लस इसके पास एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी है एंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। इसका एक यूज है एंटीएमेटिक एक्शन, दूसरा यूज है एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट। मतलब ये जो इट कैन यूज्ड एज ए एंटीएमेटिक एंड एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग। अगर किसी पर्सन को पार्किंसन की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए भी ये ड्रग यूज होता है। अब देखो, एसिड सिक्रेशन इज रिड्यूस मेनली बाय H2 ब्लॉकिंग ड्रग्स लाइक रैनिटिडिन, बट इवन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स कैन ऑल्सो रिड्यूस एसिड सिक्रेशन एट हाई डोज। जनरली हम H2 ब्लॉकर्स का ही यूज करते हैं, बट अगर आप H1 ब्लॉकर का हाई डोज कंज्यूम करते हो तो वो एसिड सिक्रेशन को रोक सकता है। दैट इज द फैक्ट एंड हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। भले ही वो प्रोमिथाजिन H1 ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग है बट हायर कॉन्सेंट्रेशन में लोगे तो वो एसिड सप्रेशन कर सकता है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए था प्रोमिथाजिन। क्वेश्चन नंबर 14, मेटक्लोप्रोमाइड, इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही कौन सा है या सही कौन सा है वो ढूंढना है। इट इनहिबिट कोलिनर्जिक स्मूथ मसल स्टिमुलेशन इन GI ट्रैक। सेकेंड, इट डिक्रीजेस लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर। थर्ड, इट स्टिम्युलेट्स D2 रिसेप्टर। फोर्थ, इट एनहांसेस कोलोनिक मोटिलिटी। मेटक्लोप्रोमाइड एग्जैक्टली क्या करता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। इट इनहिबिट कोलिनर्जिक स्मूथ मसल स्टिम्युलेशन, इट डिक्रीजेस लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर, इट स्टिम्युलेट्स D2 रिसेप्टर और इट एनहांसेस कोलोनिक मोटिलिटी। यस सुकांत, ऑप्शन सी, इट स्टिम्युलेट्स D2 रिसेप्टर। ओके साजिद, इट स्टिम्युलेट्स D2 रिसेप्टर, ठीक है वेरीफाई करते हैं। इट एनहांसेस कोलोनिक मोटिलिटी, इट एनहांसेस कोलोनिक मोटिलिटी। सी, मेटक्लोप्रोमाइड इज द D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया था ना, कैसे? इट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ D2 रिसेप्टर, इट इज नॉट द एगोनिस्ट। तो ऑप्शन सी यहां पे गलत हो गया। इट इंक्रीजेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी एंड कोलिनर्जिक एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो वहां पे मोटिलिटी इंक्रीज होने वाली है क्योंकि वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने वाले है। तो मेटक्लोप्रोमाइड एक D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है बट कोलिनर्जिक एक्टिविटी को वो इंप्रूव करेगा बाय रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन और यही रीजन है कि मोटिलिटी बढ़ती है एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मेटक्लोप्रोमाइड का यूज हम कहां पे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन या ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया? चलो क्वेश्चन नंबर 15, टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इज सीन विथ। मतलब वो कौन सा एंटीबायोटिक है जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग भी देता है एंड इट शोज प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। मतलब वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी से चला गया है फिर भी उसका इफेक्ट लंबे समय के लिए आपके बॉडी के अंदर है, तो वो कौन सा ड्रग है विच इज टाइम डिपेंडेंट किलिंग शो करता है एंड प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देगा? ऑप्शन ए फ्लोरोक्विनोलोन्स, ऑप्शन बी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी क्लिंडामाइसिन, ऑप्शन डी एरिथ्रोमाइसिन। सो मेटक्लोप्रोमाइड को हम यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, करेक्ट? यस आदित्य, रिया, यू आर राइट। सो टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट कौन देगा? टाइम डिपेंडेंट किलिंग मतलब वो ड्रग जितने समय के लिए आपके बॉडी के अंदर रहेगा वहां पे इफेक्ट तो मैक्सिमम रहेगा बट जैसे वो बॉडी से बाहर चला जाता है फिर भी इफेक्ट लंबे समय के लिए आपके बॉडी के अंदर रहने वाला है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये ऐसे ड्रग है जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग इफेक्ट भी देते हैं एंड वो एंटीबायोटिक बॉडी से जब चला जाएगा तब भी उनका इफेक्ट लंबे समय के लिए आपके बॉडी के अंदर रहेगा। बट एक और कैटेगरी है विच इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में अवेलेबल है उतना ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा।
वो ड्रग्स है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स. बट टाइम डिपेंडेंट किलिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट. इसमें से एक ऐसा ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है ना कि साइडल. आइसोनियाजाइड एंटीटीबी, टाइजिसेलिन, लैप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन. इसमें से कौन सा ड्रग है जो बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता. चलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. यस कार्तिका, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ठीक है. युक्ता, आइसोनियाजाइड ठीक है. नेक्स्ट अनिकेत, आइसोनियाजाइड. प्रशांत, टाइजेसाइक्लिन. ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टाइजेसाइक्लिन. क्यों बताता हूं. सी, टेट्रासाइक्लिन, टाइजेसाइक्लिन ये जो दोनों ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करके बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन देंगे ना कि साइडल. बट इस कैटेगरी में जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, आइसोनियाजाइड जो है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, डैप्टोमाइसिन है, वो सारे किलर है, वो स्टैटिक नहीं है. तो टाइजेसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन ये जो ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करके स्टैटिक इफेक्ट देते हैं. बट अमाइनोग्लाइकोसाइड भी सेम कैटेगरी में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होने के बावजूद वो एक साइडल ड्रग है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज बिलोंग्स टू ग्लाइसाइल साइक्लिन कैटेगरी. एक नया ड्रग है जो ग्लाइसाइल साइक्लिन कैटेगरी से बिलोंग करता है. इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मोस्ट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू टेट्रासाइक्लिन. इसका जो इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन जैसा ही है, 30S राइबोसोम ब्लॉकर. बट ये साइडल में नहीं जाएगा, ये स्टैटिक कैटेगरी का ड्रग है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इज. वो कौन सा, यहां इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेजिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी इंट्रॉन्स, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर. इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर सकता है. क्या करें, प्लाज्मिड को लॉक कर दें. यस राइट आंसर इज ऑप्शन ए. प्लाज्मिड एक ऐसा यूनिट होता है विच कंटेन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच हेल्प्स टू ट्रांसफर जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस अमंग्स द बैक्टीरिया. इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऐसा मटेरियल होता है विच विल हेल्प यू फॉर ट्रांसफरिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसके लिए जो मेन एजेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर प्लाज्मिड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, द परसिस्टेंट सप्रेशन ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ दैट मे अकर आफ्टर लिमिटेड एक्सपोजर टू सम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज कॉल्ड एज व्हाट. द परसिस्टेंट सप्रेशन ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ दैट मे अकर आफ्टर लिमिटेड एक्सपोजर टू सम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स इज कॉल्ड एज व्हाट. ऑप्शन ए टाइम डिपेंडेंट किलिंग, ऑप्शन बी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, ऑप्शन डी सिक्वेंशियल ब्लॉकेड. क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग ये दो पॉइंट्स हमने थोड़ी देर पहले देखे थे राइट. द परसिस्टेंट सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ दैट मे अकर आफ्टर लिमिटेड एक्सपोजर टू द सम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग. मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन में वो ड्रग बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ चुका है बट लंबे समय के लिए उसकी ग्रोथ सप्रेस हो गई, उसे आप क्या कहोगे. इट इज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, इट इज पोस्ट
antibiotic effect. C. Time-dependent killing is shown by aminoglycoside. Time-dependent killing जो है वो generally aminoglycosides के कारण होती है. Here, killing activity depend upon length of the time and plasma concentration. यहाँ पे दो factor है जिसके ऊपर killing depend है. Length of the time, कितने time के लिए वो drug उस particular factor के contact में है and उसका plasma concentration कितना है. And जो दूसरा है, concentration dependent killing. It is shown by lactam drugs. Here, killing activity depend upon ratio of plasma concentration to minimum inhibitory concentration. तो जो post antibiotic effect है, मतलब contact तो हो गया, वो drug body से बाहर eliminate तो हो गया, but फिर भी उसका effect लंबे समय के लिए आपके body के अंदर present है. That is called as post antibiotic effect. So option B is the correct answer. Question number 19. Which of the following statement about penicillin G is true? इसमें से कौन सा statement है जो penicillin G के regarding सही है? It is commonly administered orally. It has broad spectrum of antibacterial activity. It can be used for treatment of rat bite fever. Yeah, option D. Concomitant probenicid decreases its duration of action. अगर आप probenicid के साथ penicillin G को लेते हो, तो इसका duration of action घट जाएगा. Which of the following statement about penicillin G is true? Penicillin G के regarding कौन सा statement यहाँ पे सही है? It is commonly administered orally. क्या इसे हम generally orally administer करते हैं? ये एक broad spectrum antibacterial activity देता है. Rat bite fever के लिए useful है. या probenicid के साथ लोगे तो duration of action घट जाएगी. Option C is the correct answer. Penicillin G के regarding ये जो तीसरा statement है ये सही है. First thing, it is not effective orally because stomach का acid इसे degrade करेगा. Second thing, duration of action जो है इसकी बहुत short है क्योंकि इसका excretion बहुत rapidly होता है. And probenicid जो है, it decreases its tubular secretion and that's why वो drug body के अंदर बहुत लंबे समय के लिए रहेगा, उसका effect लंबे समय के लिए चलेगा. So, penicillin G is generally used for syphilis, meningococcal meningitis, rat bite fever and actinomycosis infection. ये चार specific points है जहाँ पे penicillin G को हम mainly use करते हैं. So, correct answer होना चाहिए था option C. Question number 20. All of the following statements about penicillin binding protein are true except penicillin binding के regarding एक statement यहाँ पे गलत है. वो कौन सा है? Present on cell surface. Mutation in penicillin binding protein gives rise to resistance. These are the targets for vancomycin. Yeah, option D. They are targeted by imipenem. Penicillin के regarding एक statement यहाँ पे गलत है. वो कौन सा है? पेनिसिलिन के कारण एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन आपके बॉडी के ऊपर होती है, स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं, उसे हम कहते हैं चेरिस हर्जाइमर रिएक्शन. ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. दीज आर टारगेट साइट्स ऑफ वैंकोमाइसिन. ये गलत है. जनरली वैंकोमाइसिन जो है वो इनहिबिट करता है ट्रांस ग्लाइकोसिलेज एंजाइम को. वैंकोमाइसिन इनहिबिट्स ट्रांस ग्लाइकोसिलेज एंजाइम को और यहाँ पे क्या बताया गया, पीबीपीज आर द टारगेट साइट फॉर वैंकोमाइसिन. तो वैंकोमाइसिन का जो टारगेट साइट है वो अलग है, ना कि पीबीपी. तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. All are true about cephalosporin except cephalosporin के regarding एक statement यहाँ पे गलत है. Ceftazidime एक third generation का drug है. Cefoperazone has got anti-pseudomonal effect. Cefoxitin has no activity against anaerobes. Option D. Cephalosporin act by inhibiting cell wall synthesis. Option D सही है. Cephalosporin cell wall synthesis को inhibit करते हैं. And ceftazidime third generation cephalosporin है. अब आपके पास option B and C बचता है. इसमें से गलत कौन है?
स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन है जो जनरली सल्फोनामाइड्स के कारण होती है। फार्मेसी इंडिया में मैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, प्लस एचएपी पैथोफिजियोलॉजी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। सिफॉक्सिटिन हैज गॉट नो एक्टिविटी अगेंस्ट एनएरोब्स। ये गलत है, ये एनएरोब्स के अगेंस्ट एक्टिविटी दे सकता है। क्लासिफिकेशन वाइज अगर आप देखोगे एंटीसिडोमोनल सिफेलोस्पोरिन्स है सिफोपिराजोन, सिफ्टाजिडिन, सिफिपिम, सिफोपिरो। जो ड्रग्स एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं वो है सिफॉक्सिटिन, सिफोटिटैन, सिफमेटाजोन। एंड थर्ड जनरेशन के ड्रग्स है सिफ्टाजिडिन, सिफ्ट्रायएक्सोन, सिफ्टिल्यूटेन, सिफ्टिनिन। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जितने भी हम यूज करते हैं उन सबका एक ही कॉमन मोड ऑफ एक्शन है, वो है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी, सिफॉक्सिटिन एक्ट्स अगेंस्ट द एनएरोब्स। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेनिसिलिन जी आर ट्रू एक्सेप्ट। इसमें से एक स्टेटमेंट पेनिसिलिन जी के रिगार्डिंग गलत है। इट इज एक्टिवली सीक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल्स। ऑप्शन बी, इट इज नेवर एडमिनिस्टर्ड ओरली। ऑप्शन सी, एक मिनट अभी वॉइस क्लियर है, चेक कर लो, एम आई ऑडिबल नाउ? चेक, एम आई ऑडिबल नाउ? वॉइस अभी ठीक है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेनिसिलिन जी आर ट्रू एक्सेप्ट। यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जो पेनिसिलिन जी के रिगार्डिंग गलत है, वो है ऑप्शन बी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि पेनिसिलिन जी को ओरली एडमिनिस्टर किया नहीं। तो कुछ माइनर कंडीशंस है जहाँ पे पेनिसिलिन जी को ओरली एडमिनिस्टर किया गया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम दूसरे रूप से लेते हैं, पैरेंटल रूप, क्योंकि स्टमक का एसिड इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। पेनिसिलिन जी इज लेस इफेक्टिव बाय ओरल रूट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय स्टमक एसिड। स्टमक एसिड के कारण प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है, पेनिसिलिन जी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी रीजन के कारण हम जनरली उसे पैरेंटरली लेते हैं। मोस्टली पेनिसिलिन जी एडमिनिस्टर्ड पैरेंटरली आइदर थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट और इंट्रावेनस रूट, बट इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली फॉर माइल्ड इन्फेक्शन। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है इसी कंडीशन में ओरली इन ड्रग्स को लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, वॉट इज ट्रू अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। ओके, इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अमाइनोग्लाइकोसाइड के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। चेक चेक चेक, हेलो, वॉइस क्लियर है अभी? हेलो,
ठीक है चलो। अमाइनोग्लाइकोसाइड इज ऑल एक्सेप्ट, अमाइनोग्लाइकोसाइड के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट यहां पे गलत है, दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एक्स्ट्रा सेलुलरली, ऑप्शन सी एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन एंड दे आर टेरेटोजेनिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमोनोग्लाइकोसाइड आर अमोनोग्लाइकोसाइड्स आर साइडल इन नेचर नॉट द स्टैटिक, करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ऑटोटॉक्सिसिटी ऑफ अमोनोग्लाइकोसाइड इज इंक्रीज विथ कॉन्करेंट यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अगर आप अमोनोग्लाइकोसाइड को इनमें से किसी एक ड्रग के साथ कंज्यूम करते हो तो वो कौन सा ड्रग है जिसके कारण ऑटोटॉक्सिसिटी बढ़ेगी, सिस्प्लाटिन, यूरोसिमाइड, वैंकोमाइसिन या ऑल ऑफ द अबो। अमोनोग्लाइकोसाइड को आप इस ड्रग के साथ अगर लेते हो तो ऑटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, सिस्प्लाटिन, फ्यूरोसिमाइड, वैंकोमाइसिन या ऑल ऑफ द अबो। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ये सारे ड्रग्स अगर आप कंज्यूम करते हो अमोनोग्लाइकोसाइड के साथ तो आपको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ईयर डैमेज होगा, आप ठीक से साउंड को सुन नहीं पाओगे, दैट इज ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो वो कौन से ड्रग्स हैं जिनके कारण ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, तो उसका पासवर्ड है डीफनेस कॉजिंग वाइटल मेडिसिन, डीफनेस कॉजिंग वाइटल मेडिसिन। अब देखो, E for ith acrylic acid and loop diuretic, A for aminoglycosides, F is furosemide, N is nitrogen mustard anti-cancer drug, E is your erythromycin, S is salicylic acid, smoking, cisplatin, vancomycin and malarial drug quinine, right? तो ये कुछ drugs है जिनके कारण ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट होता है। So, इसका पासवर्ड है डीफनेस कॉजिंग वाइटल मेडिकेशंस, द ड्रग विच आर ऑटोटॉक्सिक इन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा टू अगोनिस्ट इज गिवन बाय इनहेलेशन एंड इट इज सूटेबल फॉर बोथ टर्मिनेटिंग एक्यूट अटैक एज वेल एज फॉर ट्वाइस डेली फॉर प्रोफाइल एक्सिस। इसमें से कौन सा बीटा टू अगोनिस्ट है जो एक्यूट अटैक को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, टर्ब्यूटलिन, पामब्यूटरॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मोट्रॉल। इसमें से कौन सा बीटा टू एगोनिस्ट है जो इनहेलेशन रूट से लेते हैं एक्यूट अस्थमा को ठीक करने के लिए प्लस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ट्वाइस से डेली डोज इसका लेना चाहिए, टर्ब्यूटलिन, पामब्यूटरॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मोट्रॉल। करेक्ट आंसर इज फॉर्मोट्रॉल, इट इज फॉर्मोटेरॉल, ऑप्शन डी। सी, टर्ब्यूटलिन एक फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है विच इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग एक्यूट अटैक्स, बट ड्यू टू इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इट इज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस। इसे हम क्रॉनिक के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है। पामब्यूटरॉल, साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट है प्लस क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूजफुल है एंड दैट इज द मेन रीजन। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, कैल्सिटोनिन के कारण हाइपोकैल्सिमिया होता है क्योंकि कैल्सिटोनिन कॉजेस हाइपोकैल्सिमिया बिकॉज इनहिबिटिंग बोन रिसॉर्प्शन, प्रमोटिंग ऑस्टियोलाइसिस, डिक्रीजिंग रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, डिक्रीजिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फरस। कैल्सिटोनिन के कारण हाइपोकैल्सिमिया होता है क्योंकि चार ऑप्शन है आपके पास। एनी आइडिया?
Calcitonin causes hypocalcemia because inhibiting bone resorption, promoting osteolysis, decreasing the absorption, decreasing absorption of phosphorus. The correct answer is option A, inhibiting bone resorption. Inhibiting bone resorption. अब resorption क्या है देखना. Process by which osteoclasts break down the tissue in the bone and releases the minerals, resulting in transfer of the calcium from bone tissue to the blood. एक ऐसी process जिसमें blood में आपका calcium चला जाता है bones को destroy करके. अब ये जो calcitonin है इसके कारण effect क्या create हो रहा है. It causes hypocalcemia. मतलब कैल्शियम की लेवल आपके ब्लड के अंदर डिक्रीज हो रही है बिकॉज दिस इनहिबिट्स बोन रिसॉर्प्शन बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन ऑस्टियोक्लास्ट्स. अल्टीमेटली कैल्शियम का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है एंड हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. मेजर यूज ऑफ मेफिप्रिस्टोन इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ व्हाट. मेफिप्रिस्टोन को हम जनरली गायनेकोलॉजी में कहां पे यूज करते हैं. ऑप्शन ए इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी मोलार प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी फाइब्रॉइड यूटरस, ऑप्शन डी थ्रेटन अबॉर्शन. इसमें से कौन सी कंडीशन है जहां पे मेफिप्रिस्टोन को यूज किया जाता है इन गायनेकोलॉजी फॉर द मैनेजमेंट. इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड यूटरस या थ्रेटन अबॉर्शन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्टोपिक प्रेगनेंसी. पहले व्हाट इज इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज मोलार प्रेगनेंसी इनका मतलब समझ लेते हैं. सी इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अ प्रेगनेंसी इन विच फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटेरस. अगर कुछ ऐसा होता है एग का फर्टिलाइजेशन हो गया बट उसका इम्प्लांटेशन यूटेरस के अगर बाहर होता है तो उसे कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी. एंड यहाँ पे जो एग फर्टिलाइज हुआ है उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. If left to grow, it may damage nearby organs. अगर वहीं पे उसकी ग्रोथ हमने प्रमोट करने की परमिशन दे दी तो बाकी के ऑर्गन को डैमेज करेगा एंड इसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग लॉस ऑफ द ब्लड की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है. एंड मोलार प्रेगनेंसी मतलब अ नॉन कैंसरस ट्यूमर डेवलप इन द यूटरस एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन वायबल प्रेगनेंसी. यूटरस के अंदर एक ऐसी ट्यूमर क्रिएट होती है जो एक डेड हो चुका है, फर्टिलाइज होने के बावजूद वो डेड हो चुका है और उसके कारण जो ट्यूमर क्रिएट होती है वो हमें लगता है कि प्रेग्नेंट है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी. तो मेफिप्रिस्टोन जो है इसे हम जनरली इक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए यूज करेंगे ना कि मोलार प्रेगनेंसी को. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ वेनोडायलेटर. इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि वेनोडायलेटर है. ऑप्शन ए हाइड्रालाजिन, ऑप्शन बी मिनोक्सिडिल, ऑप्शन सी नाइट्रोप्रोसाइड, ऑप्शन डी नेफेडिपिन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वेनोडायलेटर. इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि एक वेनोडायलेटर कैटेगरी में आता है. यस अनिकत नाइट्रोप्रोसाइड. ठीक है चेक करते हैं. करेक्ट आंसर इज नाइट्रोप्रोसाइड. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखना. हाइड्रालाजिन, मिनोक्सिडिल, निफेडिपिन दीज आर प्राइमरली आर्टेरियो डायलेटर. मेनली ये आर्टरीज को डायलेट करते हैं. वेनोडायलेटर का मतलब जो वेन्स को डायलेट करेंगे उन्हें हम कहते हैं वेनोडायलेटर. आर्टेरियो डायलेटर मतलब जो आर्टरीज को डायलेट करते हैं. वेयर एज नाइट्रोप्रोसाइड मिक्स्ड एक्शन देता है, आर्टरीज एंड वेंस दोनों को डायलेट कर सकता है एंड हेंस नाइट्रोप्रोसाइड इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी के ड्रग्स तो सिर्फ वेंस को डायलेट करते हैं. बाकी के जो ड्रग्स है वो मेनली आर्टरीज को डायलेट करते हैं. वेयर एज नाइट्रोप्रोसाइड दोनों को डायलेट कर सकता है, वेंस एंड आर्टरीज बोथ. एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोप्रोसाइड इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. जनरल एनास्थेटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. अगर सच कहें तो जनरल एनास्थेटिक्स का मैकेनिज्म अननोन है
अगर आप केडी त्रिपाठी को ध्यान से पढ़ोगे तो जनरल एनेस्थेटिक्स का एज सच कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिपोर्टेड नहीं है। फिर भी इन एक ऑप्शन, इन चार ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप किसे सिलेक्ट करोगे? द अफेक्टिंग रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल इन सेरेब्रल न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी ब्लॉकिंग वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स इन न्यूरोनल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी डिप्रेसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी ब्लॉकिंग प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स इन द ब्रेन। जनरल एनेस्थेटिक्स का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या हो सकता है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए। आपके जो सेरेब्रम के अंदर न्यूरॉन है उनके जो ऑपरेटेड आयन चैनल है, रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल है, ये कहीं ना कहीं पे अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आप कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस होते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ड्रग है जो डिसोसिएटिव एनास्थेसिया है, जो एनवायरनमेंट को आपके बॉडी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करता है, इसी कारण से उसे डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कहते हैं, वो ड्रग कौन सा है? केटामाइन, फेंटेनिल, प्रोपोफोल, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द डिसोसिएटिव एनास्थेसिया? केटामाइन, फेंटेनिल, प्रोपोफोल, बोथ ए एंड बी। इट इज केटामाइन। केटामाइन का ही दूसरा नाम है डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। बेसिकली इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 से लेके 60 सेकेंड्स में शुरू हो जाता है, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 15 से 20 मिनट के लिए ही है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। ये हमारे ब्रेन के अंदर का जो सेंसरी रिसेप्टर है एनएमडीए ग्लूटामेट, इसे इनिबिट कर देता है, एंड इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इफेक्ट। ये पेन को रिलीव करने के लिए एक इफेक्टिव मेडिकेशन है, बट ये मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, एंड इसका दूसरा ही नाम है डिसोसिएटिव एनास्थीसिया, क्योंकि आपके बॉडी को सराउंडिंग से कंप्लीटली डिसएंगेज्ड कर देता है, डिसेंसिटाइज कर देता है। सो दैट्स व्हाई इसका नाम है डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। तो यहां पे हमारे आज पेपर टू के 30 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। कैन यू टेल मी योर स्कोर, आपका स्कोर क्या है? चलो गाइस, व्हाट इज योर स्कोर फॉर टुडे सेशन? उत्कर्ष 28, वेरी गुड। तेजस 15, ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके 22, 20, संदीप 27, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग, अमरीश 22, ओके। रिमेनिंग कैंडिडेट्स, व्हाट इज योर स्कोर? चला पटपट सांगा, तुमचा स्कोर काय है? यस जमीन 21, गुड। कार्तिका 21, गुड। आई एम एक्सपेक्टिंग 20 प्लस स्कोर। कोई बात नहीं श्रेयस, बट कोशिश करो आप जितने भी क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर रहे हो उनका काउंट रखना है। जो
चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।